इंडिया पे लॉन्च हो चुका है iPad 9 जनरेशन। बिना किसी देरी के आपको सारे नए फीचर्स के बारे में मैं बताता हूँ। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो iPad 9 जनरेशन में हमें Apple का A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो 20% फास्टर है कंपेयर टू iPad 8 जनरेशन, जिसमें हमें A12 देखने को मिलता था, और 3 टाइम्स ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू टॉप सेलिंग क्रोमबुक एंड 6 टाइम्स ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू टॉप सेलिंग एंड्रॉइड टैबलेट्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में तो टॉप नॉच है। बात की जाए कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में हमें बिगेस्ट अपडेट देखने को मिला है हमारे iPad 9 जनरेशन में। तो फ्रंट कैमरा हो चुका है 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, और ये है 122 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें सेंटर स्टेज का फीचर देखने को मिलता है, जो हमें iPad Pro सीरीज के साथ देखने को मिलता था। तो बेसिकली अगर आपका iPad एक जगह पड़ा है और वहाँ पे आप मूव करते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक करेगा, तो ऑटो ट्रैकिंग का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सपोर्ट करता है जूम ऐप को, टिकटॉक को, और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसको ये सपोर्ट करता है इनिशियली। फ्यूचर में और भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें इसकी कंपैटिबिलिटी और भी इंक्रीज कर दी जाएगी। एंड दिस इज रियली अ ग्रेट फीचर फॉर ऑल द iPad यूजर्स, क्योंकि ये एंट्री लेवल iPad है और इसमें ये वाला फीचर होना काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में हमें एक छोटा सा अपडेट देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस अभी हमें ट्रू टोन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों, वही सेम डिस्प्ले है 10.2 इंच की, अभी भी नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट ज़्यादा कंप्लेन कर नहीं सकते। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंडिया में दोस्तों अभी जो iPad 9 जनरेशन है उसका बेस वेरियंट स्टार्ट होगा 30,900 रुपीज़ से, एंड दिस इज 64GB मॉडल। सबसे अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पे जो बेस मॉडल है उसको 32GB से 64GB कर दिया गया है, और अगर आप यहाँ पे वाईफाई प्लस सेलुलर वर्जन लेना चाहेंगे तो उसकी प्राइस है 42,900 रुपीज़। आपको जल्दी एक वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको और डिस्काउंट में कैसे परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो बेसिकली दोस्तों हम iPad 9 जनरेशन को 3 मेजर अपडेट से कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया दोस्तों, जो बेस वेरिएंट है वो 64GB के साथ आता है। साथ ही साथ दोस्तों जो फ्रंट कैमरा काफ़ी इंप्रूव हो गया है, पहले 1.2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, अभी यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल अपडेट है वो है नया प्रोसेसर, बेसिकली एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट, जो हमें iPhone 11 सीरीज में देखने को मिलता था। एंड दिस इज अ रियली गुड अपडेट फॉर अ बेस iPad। मैं चाहता था दोस्तों यहाँ पे एट द वेरी लीस्ट जो डिस्प्ले है उसको लैमिनेटेड वाला प्रोवाइड करना चाहिए था, बट ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, एंड दिस इज रियली गुड। आपको एक 30,000 रुपये के iPad में काफ़ी फीचर्स देखने को मिलेंगे, एंड A13 बायोनिक चिपसेट बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, और जो फ्रंट कैमरा है ना 12 मेगापिक्सल का, वो भी दोस्तों बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसको मैंने ऑर्डर कर दिया है, आपको जल्दी एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको प्री ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे इसको डिस्काउंट में कैसे परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल में स्टे ट्यून करके रखना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतनी रखेंगे, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।